भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव चले गए हैं पेंडिंग में, और छोटे छोटे कलाकार आ गए हैं ट्रेंडिंग में। ये भगवान क्या जुलूम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और ट्रेंडिंग में आ रहे हैं छोटे छोटे कलाकार। इस सावन के शुरुआत में ही एक भी गाना ट्रेंडिंग नहीं किया, चाहे वो पवन सिंह का चूड़ी हरी हरी हो या खेसारी लाल यादव का टैटू महाकाल। तो पूरी खबर की क्या है जानकारी, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। इस सावन के महीने में छोटे छोटे कलाकार जा रहे हैं ट्रेंडिंग में और बड़े बड़े कलाकार हो रहे हैं पेंडिंग में। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह लगे हुए हैं जीजा साली करने में, तो वहीं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव टैटू बनवाने में लगे हुए हैं, और इस सावन में बाजी मार रहे हैं छोटे कलाकार। आज से 4 दिन पहले शिल्पी राज का एक गाना आता है, जिस गाने का बोल है दुल्हबा गोड़ दिया ये भोले बाबा, जो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में 20 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जो इस गाने का आप लोग छोटे से क्लिप में देख सकते हैं। बात यहीं शिल्पी राज तक नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिन कलाकारों को कोई जानता भी नहीं है, आज उनका गाना ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दीपक दिलदार, जिन्हें आप सभी शायद जानते भी नहीं होंगे, आज उनका भी गाना ट्रेंड हो रहा है, जिस गाने का बोल है सेंट के सीसी बोल बम। आप सभी को बता दूं कि इस गाने को खुद दीपक दिलदार ने लिखा है और गाया भी खुद है, जो आप सभी इस गाने को छोटे से क्लिप में देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के पास इतने बड़े बड़े राइटर होने के बावजूद भी एक भी गाना इस सावन के महीने में ट्रेंड नहीं करवा पाए हैं। ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाने वाले खेसारी लाल यादव इस सावन का एक भी गाना ट्रेंड नहीं करवा पाए हैं, चाहे वो एम और भोला हो या अहिरान बम, और टैटू महाकाल का तो बात ही मत कीजिए। ये बड़े बड़े सुपरस्टार अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान हम है तो शाहरुख खान हम है। तो आप सभी को क्या लगता है कि आने वाले गानों से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कम बैक कर पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।